हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। अलाइड मेंस 2020 के एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। आपसे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, बस आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या और इनका हमारे इकोसिस्टम में क्या रोल है और किस तरह से उपयोगी है। इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए आप हमारी टीम से बात करिए। व्हाट्सएप आपकी स्क्रीन के सामने है। What are mangroves and in what way are they useful to us? Mangrove क्या है और वे किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए। अगर आपसे छोटी सी definitions पूछी जाती है तब भी आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। Mangroves are the tropical forests, यानी कि दोस्तों मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय वन है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं, कंसिस्टिंग ऑफ साल्ट रेजिस्टेंट वेजिटेशंस, जिनमें नमक प्रतिरोधी वनस्पति शामिल है। फाउंड मेनली इन टाइडल रीजन्स, दे आर मेनली फाउंड ऑन कोस्ट लाइन, एस्टुअरीज, टाइडल क्रीक्स, वैक वाटर्स एंड सॉल्ट मार्शस। दोस्तों ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, कोस्ट लाइन यानी कि तट रेखा में पाए जाते हैं, ठीक है, ज्वार की खाड़ियाँ हो गई, बैकवाटर्स और नमक दलदल पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप डिफाइन करके इसको लिख सकते हैं, क्लियर। बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अलाइड मेंस 2020 फुल क्रैश कोर्सेज स्टार्ट है, घर बैठे बोथ लैंग्वेज में प्राप्त कर सकते हैं विद प्रैक्टिस सेट। लॉकडाउन और एक्स्ट्रा टाइम का फ़ायदा लीजिए, व्हाट्सएप करें और टीम से जानकारी लीजिए। बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपको प्री के लिए भी ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, मेंस के लिए तो ऑब्वियसली रहने वाले हैं। दोस्तों पहला पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे, दे प्रोटेक्ट वल्नरेबल कोस्टलाइंस फ्रॉम वेव एक्शंस बिकॉज दे होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट कोस्टल इरोजन। यहाँ पर क्या बात की गई है कि दोस्तों ये क्या करते हैं, जो कमज़ोर तट रेखाएँ होती हैं, ठीक है, जो कोस्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो वीक होती हैं, पहली बात तो ये उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे एक बात लिखी गई है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वल्नरेबल कोस्ट लाइंस फ्रॉम वेव एक्शंस बिकॉज दे होल्ड द सॉइल वाटर सॉइल टुगेदर एंड प्रिवेंट कोस्टल इरोजन, यानी कि वे मिट्टी को एक साथ पकड़ते हैं और जो कोस्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कोस्टल रीजन्स होती हैं, इरोजन्स होती हैं, यानी कि तटीय क्षरण को ये रोकते हैं, ठीक है, यानी कि उनको बहने से रोकते हैं, ठीक है, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ये, क्लियर है। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर नेक्स्ट है, मैंग्रोव्स शील्ड्स इनलैंड एरियाज ड्यूरिंग स्टॉर्म्स एंड मिनिमाइज डैमेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों जब तूफान आता है, ठीक है, तो मैंग्रोव वन क्या करते हैं, उनकी जो क्षति है, जो डैमेज है, उसको मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, यानी कि डैमेज तो होता है, ठीक है, लेकिन उस लेवल पर नहीं हो पाता है जिस लेवल पे होना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं, ठीक है, जब तूफान आता है काफ़ी स्पीड से, जब 300, 350, 400 किलोमीटर पर आवर्स से जो तूफान चलता है, ठीक है, जब डैमेज होता है उसको ये मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, यानी कि उसकी क्षति को कम कर देते हैं। तो ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव्स में, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दे प्रोवाइड होम्स फॉर सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों आपको पता है कि जानवरों की भी प्रजातियाँ होती हैं और पौधों की भी प्रजातियाँ होती हैं, तो बस पॉइंट यहाँ पर यही है कि पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों के लिए घर प्रदान करते हैं ये मैंग्रोव वन, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेंगे और शॉर्ट लैंग्वेज भी है और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात को कह भी रहे हैं, क्लियर है, ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है मेंस में, जितने वर्ड्स में बोला है उतनी वर्ड्स में अपनी बात को पूरा कंप्लीट करिए, क्योंकि एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आपका पेपर चेक करने के लिए, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट बैठे हुए हैं एग्ज़ाम में देने के लिए, ठीक है, तो ये बात नोटिस कर लेना इन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, दिस स्पॉट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता, ठीक है, उसको ये समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स होते हैं, क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट है, बाय सपोर्टिंग ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना दीज वेटलैंड वेजिटेशंस हैव गेन्ड इमेंस इंपॉर्टेंस इन आवर इकोसिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों
जो वेटलैंड्स होती हैं, जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, ठीक है, इन वेटलैंड्स वेजिटेशंस यानी कि वनस्पति ने हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व प्राप्त किया है। जो वेटलैंड्स होती हैं, जो वेटलैंड्स वनस्पतियाँ होती हैं, ठीक है, इन्होंने हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे। इन इंडिया दे आर फाउंड ऑन सी कोस्ट्स एरिया इन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स एंड आइसलैंड। इन वेस्ट बंगाल दे आर नोन एज सुंदरबंस ड्यू टू सुंदरी ट्रीज। इंडिया इज होम ऑफ 1/10 ऑफ टोटल मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड, बट ड्यू टू डेफोरेस्टेशन दे हैव बिकम थ्रेटन्ड इकोसिस्टम। दोस्तों, भारत में कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं? नदियों के किनारे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, जो द्वीप होते हैं, जो डेल्टा होते हैं, ठीक है, समुद्री तट जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, आपको क्लियर होगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरियों के पेड़ों के कारण सुंदरबन के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मेन बात लिखी है कि इन वेस्ट बंगाल दे आर नोन एज सुंदरबंस ड्यू टू सुंदरी ट्रीज, उन्हीं के कारण इनको जाना जाता है। इंडिया इज होम ऑफ 1/10 ऑफ टोटल मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड, बट ड्यू टू डेफोरेस्टेशन दे हैव बिकम थ्रेटन्ड इकोसिस्टम। भारत, दोस्तों, यहाँ पर जो टोटल मैंग्रोव्स हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया के पास 1/10 यानी कि 1/10 हिस्सा तो इंडिया में है। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखनी है तो मैंने आपको ये चीज़ कहूँगा कि ये चीज़ लिखिए आप, क्योंकि इसकी जगह आप एक चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पे कि डेफोरेस्टेशन दे हैव बिकम थ्रेटन्ड इकोसिस्टम, यानी कि जिस तरह से वनों की कटाई हो रही है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यानी कि हमारे इकोसिस्टम के लिए खतरा बन गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप थोड़ा सा मॉडिफाइड भी लिखेंगे अपने तरीके से, लेकिन अपनी लैंग्वेज में और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने पहले भी आपको कहा है, मेन बात आपको लिखनी है पॉइंट लेने के लिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आपके पास इस बार मौका रहने वाला है मेंस क्लियर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट हैं दोस्तों, ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। गेस्टेड ऑफिसर लाइन के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हमेशा इस चीज़ के लिए सोचना। ठीक है, फॉर मोर डिटेल, मोर क्वेश्चन, मोर क्वेरीज, व्हाट्सएप करिए, टीम से जानकारी लीजिए और क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइट मीन्स 2020 के लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय हिमाचल।